क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल आज ऑन 1 अप्रैल 2017 7,800, डेटर्स भी दे रखा है आज ऑन 1 अप्रैल 2018 30,800, और आपको पूछा है कि टोटल सेल्स निकालो, और लास्ट लाइन में दे रखा है क्या सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। तो हम लोग बढ़िया चलेंगे और इसके आंसर्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लो, देन टोटल डेटर्स अकाउंट बना लो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से आपके जो बैलेंस आएगा वो डेटर अकाउंट में डाला जाएगा। आई विल टेल यू कितने कैसे अच्छी तरह आए। तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट अकाउंट, और लेजर फॉर्मेट बनाओ, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रूपी सिंबल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 2017 दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 7,800। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, आ गया। देन नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का आइटम ढूंढो, दैट इज कैश रिसीव्ड। ये लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, यू कैन से कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके थर्ड आइटम है, आइटम कॉलम में तीसरी आइटम है। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,900। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 20,900, हो गया। देन नेक्स्ट वन इज बाय टोटल डेटर्स अकाउंट जो निकल रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दैट इज बिल्स रिसीवेबल डिजनर्ड 1,800। जर्नल एंट्री होता है टू डेटर्स टू बीआर, टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल देने के टाइम पे होता है डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, डिजनर के टाइम में होता है बिल्स डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आया बाय डेटर्स अकाउंट 1,800। दिस इज बिल्स रिसीवेबल डिजनर्ड, टोटल डेटर्स अकाउंट दैट इज बिल्स रिसीवेबल डिजनर्ड 1,800। नेक्स्ट वन इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में दे रखा है। बिल्स रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2018 ये 6,000 दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन में आएगा, आ गया। तो अभी आप क्रेडिट साइड को टोटल करो, क्योंकि सारे पोस्टिंग हो गया 28,700, उसको डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कलर टोटल को डेबिट कॉलम में ट्रांसफर करो, डेबिट टोटल में 28,700। 28,700 से 7,800 माइनस करो, वी विल बी गेटिंग टू टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट एज द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन अस टू बी एक्सेप्टेड। हमारा जो डेटर जिनको हम सेल किया है उन्होंने, उनसे हमने बिल्स रिसीवेबल कितना ड्रॉ किया है। तो ये होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। और जब बिल टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दिस इज 20,900। नाउ कम डाउन टू टोटल डेटर्स अकाउंट, फॉर्मेट रेडी। ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स 30,800, क्योंकि ओपनिंग डेटर एसेट अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज टू बिल्स रिसीवेबल डिजनर्ड, क्योंकि डिजनर बिल 1,800 का नीचे था, जर्नल एंट्री था टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,800। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में बाय टोटल डेटर्स अकाउंट, देखो सेम इंक में लिखा है ये वाला, दोनों डेटर्स में टू बीआर, बीआर में बाय डेटर्स हो, और आराम से आ गया 1,800। नेक्स्ट वन इज ये देखो, मैं आपको देखो कैसे पोस्ट हुआ, टोटल डेटर्स में टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल में बाय टोटल डेटर्स अकाउंट, दिस इज कूल। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन सी दिस, ये देखो कैसे पोस्ट होगा, कैसे कहाँ कहाँ आएगा, ये दोनों लिंक्ड है, बिल्स रिसीवेबल में निकला और डेटर्स में डल गया। नेक्स्ट वन इज लाइक दिस, दिस इज बाय कैश अकाउंट 70,000।
दिस इज कैश रिसीव्ड एंड मैच्योरिटी, दिस इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज यू कैन से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 70,000, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट, और यू कैन से खाली डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट बाय कैश अकाउंट 70,000. नेक्स्ट वन इज रिटर्न इनवर्ड, दैट इज 8,700, बाय रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न इज देयर, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स, यू कैन बेसिकली टेल दिस एज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स. ये सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आ गया, हमने इसका जर्नल एंट्री बनाया, हमने जर्नल एंट्री बनाया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, यू कैन से रिटर्न इनवर्ड, जो लैंग्वेज इंग्लिश में है वर्डिंग क्वेश्चन में उसी को यूज करो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट 8,700. ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन इज योर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये आया कहाँ से ना, ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नीचे वाले जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है ना, रेड इंक में लिखा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट, और टोटल डेटर्स अकाउंट में आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. देखो ऐसे पोस्ट होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला था टू टोटल डेटर्स अकाउंट, और टोटल डेटर्स अकाउंट में आया बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये इसीलिए क्योंकि जो बिल हमने लिया है डेटर से वो डेटर कम हो गए इसकी वजह से, तो दोनों अकाउंट को ये रिलेट करके होता है. डेटर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इस पर्टिकुलर केस में टू टोटल डेटर्स बिल्स रिसीवेबल का, और बिल्स रिसीवेबल में ये आ गया टू टोटल डेटर्स, और टोटल डेटर्स में आया बाय बिल्स रिसीवेबल, इतने का बिल्स रिसीव कर लिया, इतना क्या से ले लिया 70,000 का, गुड्स रिटर्न 8,700 का आ गया, और द नेक्स्ट वन बींग द बैड डेट अकाउंट 4,800, पैसे डूब गया, इट इज रिटन बैड डेट रिटन अप, मैंने खाली बैड डेट से अकाउंट लिख दिया, दैट विल ऑल्सो डू, पैसे डूब गया, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट, तो टोटल डेटर्स अकाउंट में जब लेजर पोस्टिंग होगा दैट विल बी बाय बैड डेट अकाउंट 4,800, 4,800 का बैड डेट हो गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू टोटल डेटर्स अकाउंट 4,800, दिस इज फिनिश्ड, जर्नल का लेजर पोस्टिंग कर लिया. और लास्ट में दे रखा है डेटर्स एज एट 31 मार्च 2018 25,500, यू कैन से बाय बैलेंस कैरेड डाउन, दिस इज बैलेंस कैरेड डाउन, दिस इज बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स एट द एंड, ये एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी में आएगा, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेटर्स 25,500. तभी क्रेडिट साइड को टोटल करो और लिखो दिस इज 1,29,900, 129,900, 129,900 जो आया, इसको क्रेडिट टोटल को डेबिट टोटल में ट्रांसफर करो, 1,29,900, उससे 32,600 डेबिट साइड का जो बैलेंसेस है उसको माइनस करो, डेबिट साइड में दो बैलेंस है उसको माइनस करके यू विल बी गेटिंग टू क्रेडिट सेल्स, और यू कैन सिंपली राइट डाउन सेल्स, तो डेटर को जो सेल करते हैं वो उधार में करते हैं, तो यू कैन से दैट इज क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट दैट इज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हम इसको डिफरेंस के तौर पे निकाले हैं 97,300. ये क्रेडिट सेल जब कैश सेल के साथ ऐड होगा तो वी विल बी गेटिंग द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में दो कंपोनेंट होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को टोटल करके उसका गैप निकाल के उसको डेटर अकाउंट में निकाला, डेटर अकाउंट का जो बैलेंस आया दैट इज द फाइनल अमाउंट एज लाइक क्रेडिट सेल्स 97,300, हुई चीज और बैलेंसिंग फिगर. फिर हम ये दोनों अकाउंट के नीचे चले जाएंगे, हम लिखेंगे टोटल सेल्स, जो कि क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट टोटल सेल्स, दैट इज कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, मैंने क्रेडिट सेल का इंक सेम इंक यूज कर लिया जो निकला है, तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश सेल, क्वेश्चन का लास्ट लाइन में कैश सेल दे रखा है 15,900, तो 15,900 कैश सेल के जगह पे लिखो, प्लस 97,300 जो अभी अभी निकला है टोटल डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल, ये दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द
टोटल सेल्स व्हिच इज 1,13,200। यू सी 1,13,200 इज द टोटल सेल्स, और जो कि आपका बुक का आंसर है, और मेरा भी उतना आ रहा है, तो आप लोगों को भी उतना आ रहा होगा, तो अच्छा समझ में आना चाहिए। ओनली यू रिक्वायर टू कंसंट्रेट, पूरा काम एंड क्विट जगह पे बैठो, अपने टीएस गिवाल साहब के बुक खोलो, अपने मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टेलीविजन हो या टैब हो, उसको ऑन करो और इसको ढूंढो और पढ़ो, डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा। दीज आर गुड क्वेश्चंस एंड मिसिंग फिगर। आई होप मैंने खूब मेहनत किया उसको पढ़ाने के लिए, एक एक लाइन जोड़ के आपको दिखाया कहाँ किधर कैसे आएगा, आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो तभी आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करना ना करने में कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है अगर आप इसको शेयर नहीं किया तो। खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ने दीजिए, दूसरों को पढ़ने में हेल्प कीजिए, एटलीस्ट इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी वीडियो का फायदा ले सकें, मेरा मेहनत साकार हो और आपका भी शेयर कराने में जो मेहनत लगता है वो भी साकार हो। आपके क्लासमेट्स, आपके जो पढ़ने वाले होते हैं जिनको ये वीडियोज को ज़रूरत होता है, वो आपको अच्छी तरह पता है, और आप लोग मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, तो आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। अगर मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है तो आपको पब्लिक पोर्टल में लिखिए, मैं उसको सुधार के आगे के लिए अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाता रहूँगा, व्हिच विल हेल्प यू। तो पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ने दो, दूसरों को पढ़ने दो, और खुद पढ़ते रहो। कीप ऑन स्टडिंग।